हे एवरीवन, सो आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यार, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में यार मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक नॉर्मल स्पीकर या नॉर्मल कार के स्टीरियो को ब्लूटूथ अनेबल बना सकते हैं सिर्फ 100 रुपये में। जी हाँ, मात्र 100 रुपये में। अगर मैं सही सस्ती लैंग्वेज वाली तरीके से बोलूँ, मात्र 100 रुपये ले लीजिए, मात्र 100 रुपये। सो ये सिर्फ 100 रुपीज़ का आता है, विच इज़ ब्लूटूथ म्यूजिक रिसीवर। पीछे कुछ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो को। मेड इन चाइना प्रोडक्ट है एज एक्सपेक्टेड। तो ये सिर्फ 100 रुपये का आता है, नेहरू प्ले से भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी ले सकते हो आप इसको। और ये मैंने खोला और अंदर इसके आपको मिलता है एक बहुत ही पतला, जिसका वो ब्लूटूथ लिखा हुआ था। पैकेट पूरा बाकी का खाली है, इसको रख देते हैं साइड पे। एंड उसके बाद आपको मिलती है ये डोंगल, विच इज़ या ब्लूटूथ डोंगल। यहाँ पे यूएसबी और यहाँ पे ब्लूटूथ लिखा हुआ है, पीछे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक पोर्ट दिया हुआ है ऑक्स केबल को प्लग इन करने का। और जो ऑक्स केबल है वो लेंथ वाइज तो काफ़ी छोटी है, बाकी क्वालिटी वाइज भी डिसेंट है। फॉर द प्राइस वैसे तो इतनी हाई क्वालिटी नहीं है, बट 100 रुपये के हिसाब से यार ठीक ही है। और उसके बाद आपको मिलता है इसमें ये, आपने कुछ नहीं करना, ये पावर पॉइंट में लगाना है किसी भी। इवन अगर आप एक हेडफोन को भी आप बना रहे हैं ना ब्लूटूथ अनेबल्ड, आपको कुछ नहीं करना है, पावर बैंक पर कनेक्ट कर देना यूएसबी केबल और इसको कनेक्ट कर देना आपने हेडफोन्स के साथ में, और इसको आप फिर ब्लूटूथ से कनेक्ट, नॉर्मल वायर्ड हेडफोन्स को भी कर सकते हैं। सो आपको करना क्या है, इसको प्लग करना है स्पीकर के ही यूएसबी आउटलेट में, या आप कर सकते हैं किसी और पावर आउटलेट में इसको प्लग इन। और उसके बाद इसको आप लगा सकते हैं एक साइड इस यूएसबी डोंगल के अंदर और एक उसके ऑक्स पोर्ट के अंदर। फिर आपका ऑक्स मेन्यू बन जाएगा एक, आपका ऑक्स मेन्यू बन जाएगा एक ब्लूटूथ अनेबल डिवाइस। और अगर आपके स्पीकर से जिस पे आपका ऑक्स का पोर्ट नहीं मिलता, तो आपका जो स्पीकर्स का 3.5 mm जैक है वो इसके पोर्ट के अंदर डाल सकते हो, जिसकी मदद से भी वो ब्लूटूथ अनेबल बन जाएगा। तो यार अभी हम इसकी चेक कर लेते हैं साउंड क्वालिटी कैसी है। तो पहले आप सुनेंगे एक रॉ फाइल जो आएगी NCS की होगी, जो आप सुनेंगे वो आएंगी मेरे जो 4.1 चैनल के स्पीकर्स हैं उससे। बाद आप सुनेंगे दोनों का कंपैरिजन, पहले मैं सुनाऊंगा कंपैरिजन वीडियो में, पहले सुनाऊंगा जो ब्लूटूथ से ऑडियो आ रही है, फिर सेम सॉन्ग देखेंगे डायरेक्टली उसकी केबल को प्लग करके फ़ोन में कि कैसे साउंड उसमें से आ रही है और दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है या नहीं है। अगर आप बात करो इसकी ड्यूरेबिलिटी की, तो ड्यूरेबिलिटी वाइज ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे पास एक सेम ऐसा है, मैं दो लाया था, ये तो अभी मैंने खोला है, ये मैं पिछले 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ अपनी गाड़ी में और टिल नाउ बहुत ही अच्छा चल रहा है, कोई भी इतनी दिक्कत नहीं आई है मेरे को इसके साथ। हाँ, डिस्टॉर्शन के हल्का सा इशू कि अगर आपकी वॉल्यूम 20 पे है और आपका कोई गाना प्ले नहीं हो रहा है तो किसी सी इस टाइप की आवाज़ आती है उसमें, तो हल्की सी ये दिक्कत है। बट ये यार 250-300 रुपये की भी लोग चीज़ें खरीदते हैं। ये प्लग एंड प्ले है, कोई ड्राइवर नहीं है और ना कोई बैटरी है, नॉर्मल सी चीज़ है। और सिंपल फैक्ट, अगर ये आपका 1 महीने में ख़राब हो भी गया तो भी यार की फ़र्क पैंदा है, 80 रुपये का है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी ये वीडियो तो लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, और कमेंट में बताया नया कोई और सजेशन हो। और मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।